सभी लोगों को डोसे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जो डोसे का जनरल प्रोसीजर होता है वो लंबा होता है, उसमें समय बहुत लगता है और मेहनत भी, फर्मेंट करना पड़ता है, दाल और चावल को पीसना भी पड़ता है। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ इंस्टेंट क्विक डोसे की शेयर करने वाली हूँ, उसमें ना किसी दाल की जरूरत है, ना चावल की, और ना ही कुछ आपको भिगोना होगा, ना फर्मेंट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी क्विक एंड इंस्टेंट, जिसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसे डोसे का होगा और बनाने में बहुत ही आसान, और 5 मिनट में आपका डोसा तैयार। मार्केट स्टाइल इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल का आटा। ये पिसे हुए चावल का आटा है, बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, वरना आप चावल को मिक्सी में पीस करके इस तरीके का फाइन पाउडर बना सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप यानी 250 ग्राम। 1/2 कप बेसन, चिकपी फ्लावर, ये 1/2 कप है, 125 ग्राम, 125 ग्राम्स। सेकने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा थोड़ा सा। मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 नींबू, ये मैंने लिया है पिंच ऑफ हींग, थोड़ी सी हमें हींग चाहिए होगी। यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार लिया है मैंने, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने लिया है फ्रूट सॉल्ट, ये 1 छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट लिया है यानी इनो सॉल्ट। इनो सॉल्ट होममेड बनाने का प्रोसीजर मैंने अपने चैनल कुक विद पारुल में शेयर किया हुआ है, ये वही होममेड इनो सॉल्ट है, और मैंने उस वीडियो में बताया था कितनी आसानी से आप बिल्कुल बढ़िया और सस्ते में होममेड इनो सॉल्ट बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर होममेड इनो सॉल्ट की रेसिपी देख सकते हैं। ये मैंने लिया है इनो सॉल्ट 1 छोटी चम्मच, पिंच ऑफ टर्मरिक लगभग 1/4 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच मैंने ग्रेटेड अदरक लिया हुआ है। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और बोल में हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा, 1/2 कप बेसन, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ हींग, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बहुत अच्छा टेस्ट देता है अदरक इसमें। हमें यह याद रखना है कि हमें इनो फ्रूट सॉल्ट और नींबू दोनों चीज अभी यूज नहीं करने हैं, पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल डोसा बैटर जैसी हमें तैयार करनी होगी। सभी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना बैटर पतला भी हो सकता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना चाहिए जिससे हम उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके। और बिल्कुल लम्स ना पड़े। अच्छी तरीके से बिल्कुल इसमें लम्स ना बने, कोई भी गुठलियां ना पड़े, बिल्कुल इसको चिकना कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से फैट लेंगे। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर लगभग इतनी क्वांटिटी में मैंने 1 कप पानी डाला है यानी 250 ml। अदरक या हींग सब चीजें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अदरक हींग अच्छी लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ डाला है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत अगर आपको चटपटा बनाना है तो। ये देखिए अब बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यूज करना होगा नींबू, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और आप देख सकते हैं बबल स्टार्ट हो गए हैं बनने। अब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और ये हमें पहले से नहीं मिक्स करना है, जब हम डोसा बनाने जा रहे हैं उसी दौरान मिक्स करना है। और इस तरीके से हमने फ्रूट सॉल्ट और नींबू को मिक्स कर लिया है। लोहे के तवे पे और नॉनस्टिक तवे पे डोसा किस तरह बनाया जाता है इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल में शेयर किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोहे के तवे पर डोसा कैसे बनाएं या नॉनस्टिक पे क्या तरीका होता है प्रॉपर बनाने का जिससे डोसा चिपके नहीं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तवे को हल्का गर्म करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक टिश्यू पेपर से पोंछेंगे,
हल्का सा पानी डाल के देखेंगे। पानी एवोपरेट हो गया है, तवा बिल्कुल प्रॉपर गर्म है, हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए इसलिए फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। अब इस पे हम डालेंगे बैटर और धीरे धीरे एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये चिपकेगा, इसलिए तवे का बिल्कुल हल्का गर्म होना बहुत जरूरी है। पहले हल्का आप तवे को गर्म कीजिए, उसके बाद ही आप बैटर को डालिए। साइज डोसे का आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और डालेंगे थोड़ा ऑयल। और भी आप थोड़ी देर में देखेंगे इसमें अच्छा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको आराम से उतार सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और ये अपने आप से ये देखिए उठना शुरू हो गया है। बहुत डिपेंड करता है तवे के टेम्परेचर पे, अगर तवा प्रॉपर हल्का गर्म है उस वक्त आपने डाला है बैटर तो, और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम करके इसको सेका है तो ये बहुत अच्छी तरीके से उतर जाता है। अब मैं हल्का सा पीछे से भी सेक लेती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो खुद ही उठ गया साइड से। मीडियम फ्लेम पे नीचे से भी हल्का सा इसको सेक लेते हैं। आप चाहे तो, वैसे वो कुक हो चुका था लेकिन किसी किसी को अगर कच्चा फील हो तो वो नीचे से भी उसको थोड़ा और सेक सकता है। अब इसको अब हम टर्न करके रैप कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी, एकदम सॉफ्ट एंड क्रिस्पी डोसा तैयार है। बिल्कुल मार्केट जैसे कलर का और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अब दूसरा डोसा डालने के लिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि तवा अभी बहुत गर्म है, हमने अभी अभी जस्ट एक बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का इसका टेम्परेचर डाउन होने देंगे, पानी की छींटे डालकर देखेंगे। चलिए अब दूसरा डालते हैं। अब गैस को वापस ऑन करते हैं, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं क्योंकि तवा गर्म है। इस तरीके से फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर से ही कलर दिखाई देने लगेगा, हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है। बस अब थोड़ी देर में आप देखेंगे ये खुद उठने लगेगा साइड से। और ये देखिए बहुत अच्छा नीचे कलर आ गया है और ये उठ रहा है। तो अब बस हल्के हाथ से इसको हम पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। और नीचे से भी कुछ सेकंड्स के लिए सेक लेते हैं और उसके बाद इसको रोल बनाएंगे। जरूरी बात यहाँ पर यह है डोसा बनाते वक्त कि आपको एक तो रेशो बिल्कुल प्रॉपर लेना है, तवा बिल्कुल प्रॉपर हीट जिस तरीके की चाहिए वैसे होनी चाहिए जैसे मैंने बताया वीडियो में। दूसरा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, अगर वो बहुत ज्यादा थिक है तो डोसा चिपकेगा बार बार, अच्छी तरीके से वो बन नहीं पाएगा। या आपने अगर बहुत पतला कर दिया है उसको तो डोसा ठीक से उतरेगा भी नहीं और वो बहुत मुलायम पड़ जाएगा बनने के बाद। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए डोसा बनाते वक्त। और आप देखिए इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। बस गैस को करते हैं ऑफ और इसको हम करते हैं टर्न। नीचे से भी ये सिक गया है, बहुत ही बढ़िया डोसे बने हैं। एक देखिए हाथ से ही रोल हो रहा है, कितना बढ़िया डोसा बना है ये देखिए। तो चलिए अब इसको करते हैं सर्व। ये लीजिए बिल्कुल क्विक और इंस्टेंट डोसे बनकर के बिल्कुल तैयार है। इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है और इसको आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में या इवनिंग स्नैक्स में भी आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं, जब भी अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए तो फटाफटा भी ये बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे आज के ये क्विक डोसे बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक